हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द व्यंजन में। और आज मैं बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। इसे आप चाहे ब्रेकफास्ट में बनाएं, लंच में बनाएं या फिर डिनर में किसी दूसरी रेसिपी के साथ बनाएं। बहुत आसान है इसे बनाना, बच्चे, बूढ़े और यंग लोग बहुत पसंद करते हैं इन गर्मियों में इसे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर के आई हूँ आपके सामने। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक खीरा, इसे मैंने बारीक ग्रेट किया हुआ है, और ये गेहूं का आटा। तो आप ये ऐसी रेसिपी है कि इसे आप चाहे लंच में बनाएं, चाहे ब्रेकफास्ट में बनाएं या फिर डिनर में बनाएं, किसी और रेसिपी के साथ में, किसी और मतलब आप कोई और डिश के साथ में बना सकते हैं इसे। और सबसे खास बात इसकी ये है कि अगर आप व्रत में बना रहे हैं तो आप व्रत में भी इसे बना सकते हैं। बस उसके लिए क्या करना है, आपको आटे की जगह पे आपको लेना है, चाहे साबुदाने का आटा ले लीजिए, राजगीरा का आटा ले लीजिए, कुट्टू का आटा ले लीजिए, सिंघाड़े का आटा ले लीजिए, जो भी आपको सुविधा लगे। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर आप राजगीरे का आटा यूज कर रहे हैं तो ये जो खीरा डालेंगे ना उसमें, तो उसका पानी रोक के डालेंगे, क्योंकि राजगीरे का आटा बहुत ही रुई जैसा सॉफ्ट होता है एकदम, और पानी कम सोखता है। तो चलिए, इसके लिए मैंने ये जो आपको दिखाई दिया है, और ये मैंने कुछ सब्जियां भी कट करके रखी है, तो इनका मैं क्या करूंगी ये मैं बाद में बताऊंगी आपको। पहले चलिए हम आटा बना लेते हैं अच्छा सा। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो खीरा हमने रखा था ना, बस इसको हम पानी रोक लेंगे थोड़ा। अभी पानी हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले पानी हम रोक लेंगे ताकि हमारा डो जो है गीला ना हो। डो को एकदम बिल्कुल मतलब टाइट ही लगाना है हमें, बहुत ढीला नहीं लगाना है। इसमें डाल दिया हमने खीरा, और हम डालेंगे ये हरा कटा धनिया, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, ये आधा चम्मच करीब हींग, और ये मैंने एक गांठ लहसुन, और तीखे के लिए दो हरी मिर्च मैंने कूट के रखी है वो डालेंगे, और टेस्ट के हिसाब से हम डाल देंगे इसमें नमक। तो हम इसमें हमें कोई भी ऐसा मसाला नहीं डाला है जिस मसाले के लिए आपको मार्केट जाना पड़े। और गर्मियों में तो सबके किचन में ये सब्जियां और खीरा वगैरह मिल ही जाता है, और खीरा खाना बहुत ही हेल्दी भी होता है गर्मियों में। तो ये देखिए, हमने मिला लिया है आटा अच्छे से, तो अभी थोड़ा सूखा लग रहा है, तो जो पानी हमने रोका था खीरे का वो भी इसी में मिला देंगे। ध्यान दीजिएगा कि आटा बिल्कुल ढीला नहीं बनाना है, क्योंकि जब ये खीरा हमारा नमक के संपर्क में जाता है ना, तो अपना पानी और छोड़ता है, तो ये आटा हमारा जो है बाद में एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए, सारे खीरे का पानी मैंने यूज़ कर लिया है, और देखिए आटा हमारा जैसे ही नमक में गया है एकदम अच्छे से, नमक और खीरा मिला है, वैसे देखिए अच्छा सा सॉफ्ट होने लगा है। तो बहुत सॉफ्ट नहीं लगाना है, अगर आपका आटा सॉफ्ट हो जाए तो आप थोड़ा सा आटा मिला लीजिए उसमें, चाहे तो आप चावल का आटा भी मिला सकते हैं इसमें, थोड़ा और अच्छे कुरकुरे बनेंगे। बट मैं यहाँ सिर्फ गेहूँ के आटे से बना रही हूँ। हम अब 10 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया है ये आधा केजी दही। तो दही को हम क्या करेंगे, इस तरह से मथानी हो या विस्कर हो आपके पास जो हो, उसे हम इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से, बढ़िया सा एकदम क्रीमी टेक्सचर इसका आ जाए, ताकि, और बिल्कुल ताज़ा दही है घर का जमा हुआ, खट्टा नहीं है बिल्कुल भी, खट्टा दही ना यूज़ करें। तो देखिए दही क्रीमी हो गया। देखिए अब ये जो मैंने सब्जियां कुछ कट करके रखी थी, जैसे सलाद के रूप में आप रोज ही डेली यूज करते हैं घर में, तो ये मैंने उबला हुआ आलू लिया था, तो थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें उबला हुआ आलू, टमाटर, खीरा, प्याज, गाजर, और अब हम डाल देंगे इसमें ये कटी हुई धनिया। देखिए धनिया से तो मेरा जी भरता ही नहीं है, मैं हर चीज में धनिया यूज करती हूँ। तो ये जो मिक्स वेज रायता बनता है ना, बहुत ही टेस्टी बनता है। और हाँ, इसको बनाते समय ध्यान रखिएगा कि मार्केट का रायता मसाला तो बिल्कुल मत यूज करिएगा, क्योंकि रायते मसाले के नाम पे सिर्फ उसमें नमक और खटाई मिलती है, और बाकी कुछ नहीं होता। तो ये देखिए कितना हमारा क्रीमी और बढ़िया से बना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा, 2-3 चुटकी ये भुना पिसा जीरा। तो मैं जीरे से तड़का लगाऊंगी, इसलिए थोड़ा ही जीरा मैं यूज कर रही हूँ, टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ये सफेद नमक, जो सादा नमक हम यूज करते हैं, और ये आधा चम्मच के करीब ये काला नमक। तो बस इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, और लगाएंगे हम इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा जबरदस्त तड़का। तो तड़के के लिए मैंने ले लिया यहाँ पर 1 चम्मच ये देसी घी। तो बस गरम हो जाए थोड़ा सा, देखिए घी गरम हो गया, डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, अब डाल देंगे इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च। तो सावधानी से हरी मिर्च डालें, या फिर गैस से इसको हटा के ही डालें। थोड़ी सी हम डाल देंगे राई, 2-4 दाने हम डाल देंगे मेथी के, और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा करी पत्ता, तो करी पत्ता को भी सावधानी से डालें। और अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और डालेंगे हींग थोड़ी सी। हींग
हींग जल जाती है इसलिए मैंने गैस बंद करके डाला है। और अब हम लगा देंगे तड़का। देखिए तड़के में जो मैंने मसाले, जो खड़े मसाले मैंने यूज़ किए हैं, परफेक्ट इसमें देखिएगा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इससे किसी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको अगर इस तरह से आप तड़का लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो अगर हाथ में चिपक रहा हो तो थोड़ा सा घी ले लीजिए, हाथ पे ले लीजिए और इस तरह से करके आप इसको अच्छे से मसल लीजिए। देखिए आटे को अच्छे से मार लिया हमने, एकदम चिकना और सॉफ्ट हो गया हमारा आटा। अब चलिए बनाते हैं हम खीरे के पराठे। इस तरह से छोटी सी लोई ले लेनी है, जितने बड़ा या फिर पराठा आप बनाना चाहे उतना बड़ा ले लीजिए। तो बस इसको ऐसे करके हमें थोड़ा सा आटा लगा के सूखा इसे गोल शेप में बेल लेना है। कोई दिक्कत नहीं आती है इसे बनाने में बिल्कुल भी इस तरह से। ये देखिए, तो मैं आपको कोई नहीं बताऊंगी कि आप त्रिकोण बनाइए, चौकोर बनाइए, काटिए, पीटिए, जो भी करिए, कुछ नहीं, सिंपल से आप ऐसे बेल लीजिए रोटी की तरह। देखिए इस तरह से बहुत आसान है और झटपट अगर आपको बनाना है ब्रेकफास्ट के लिए किसी चीज़ के लिए तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लगा दिया मैंने थोड़ा सा देसी घी, तो देसी घी ही मैं यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा आटे से मैं डस्ट किया इसको, एक साइड से चीरा लगाया, हल्का सा यूं, फिर यूं और इसको ऊपर से, सिंपल तरीका, इसको हम ऐसे लगकर बेल देंगे। ये बहुत आसान तरीका है और खीरे के पराठे हमारे फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये खीरे का पराठा हमने इस तरह से बेल लिया। ऐसे हम सारे पराठे अपने बेल लेंगे फटाफट से। देखिए पराठे सेकने के लिए मैंने नॉर्मल तवा जो घर में हम यूज़ करते हैं लोहे का, वही यूज़ किया, कोई नॉनस्टिक वगैरह ज़रूरत नहीं है। तवा देखिए गर्म हो गया है, एक साइड ऐसे डाल देंगे हम पराठा पहले, उसके ऊपर से हम लगाएंगे देसी घी। एक तरफ से गर्म हो गया, पलट दिया इसे और अब इस तरफ से भी थोड़ा सा हम घी लगाएंगे और चम्मच से दबाते हुए हम इसे सेक लेंगे। फूल रहा है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका हर पराठा फूले, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसमें जो है खीरा मिला रखा है तो ज़रूरी नहीं कि हर पराठा आपका फूले। तो देखिए सिक गया पराठा हमारा, इस तरह से इसे हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारे पराठे अपने सेक लेंगे। तो देखिए हमारे ये खीरे के पराठे और ये मिक्स वेज रायता हमारा बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे पराठे। और ये देखिए मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ इस तरह से। देखिए सारे पराठे मेरे एकदम परतदार, ये देखिए इस तरह से मैं खोल के दिखा दूँ, इस तरह से परतदार बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ये इजी, हेल्दी और टेस्टी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी खीरे के पराठे और मिक्स वेज रायता कैसा बना था। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप इंजॉय कीजिए ये हेल्दी सी रेसिपी और हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।